प्लेयर्स आज की आखिरी जंग जो इरांगल में होने वाली है उसके लिए फुल सेट तैयार और निकल चुके हैं। तो कोने में आप कहेंगे लिपोवका के थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है, यसनाया होते हुए जाएगा, रुजोव को छुएगा और जॉर्जियो पूल और हॉस्पिटल के बीच में से निकल के खत्म हो जाएगा। मतलब तो जो बॉटम साइड एरिया है ना, जैसे प्रमोस, फेरी पेट, क्वेरी फार्म, मिल्टा मिल्टा पार, पोचेंकी, ये एरिया होंगे ठीक, बट मिलिट्री बेस नोवो तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करके पहुंचे और सर्कल कट गया स्टालवे सेवन ही शूटिंग रेंज साइड का, तो भाई उल्टे प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पांच टीम्स XQF, BTR, GCB, BRK, इनको काफी दिक्कत, एंड टीम कैसो, इनको काफी दिक्कत होने वाला है क्योंकि इनका ड्रॉप जनरली साउदर्न पार्ट ऑफ द मैप में रहता है। एंड इन लोग अभी यहाँ पे गाड़ी के लिए लड़ेंगे, जो फिर अब गाड़ी लेके वहां जाओ। आपने जैसे बहुत ही सही पॉइंट आउट किया कि अगर जोन ऊपर की कट जाती है तो ये टीम जो अभी एक टाइम लेंगे गाड़ी लेके वहां जाने में, फिर वापस जोन को चेस करो, इसमें वो टीम्स के लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है। एंड अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सोल ने वापस रोजा को वाटर सिटी को टारगेट किया है एंड वहां पे उन लोग अपना लूट करेंगे। इस बार ELG उनको गन फाइट लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, स्कूल की तरफ ही उतरते हुए यहाँ युवा का JN फ्लोटर गेम इनका वापस शुरू हो चुका है। नोवा का छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटेंगे, प्रिजन शेल्टर को टारगेट करते हैं, तीनों प्लेयर अलग अलग कंपाउंड में लूटते हैं और एक इनका फ्लोटर होता है जो घूमते रहते हैं। हालांकि लास्ट गेम में मैंने देखा था कि नोवा के JN फ्लोट करते करते इतने बहक गए थे कि वो जाके एक स्क्वाड के बीच में फंस गए थे और मर गए थे। तो नोवा क्योंकि टूर्नामेंट में इतना आगे है एंड इतना सही परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा अब उनको मे बी अपना वो ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपनी स्टैंडिंग बरकरार रखनी है। बिल्कुल, क्योंकि इनकी जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो इतना ही पैसा दिक्कत हो गया। सोल ब्रिज क्रॉस करते हुए इन्होंने अपना रोटेशन स्टार्ट कर दिया, मे बी जॉर्जो के ऊपर से इन लोग राइट लेंगे और ट्राई करेंगे कि या तो शूटिंग रेंज की तरफ जाके होल्ड करे, पर जॉर्जो ने उन्होंने ऑलमोस्ट जॉर्जो के ऊपर से राइट लिया है। वहां पे टेस्ट का वाइल्ड कैट और सोल मॉडल और रौनक जो एक साथ ट्रेवल करें, एक दूसरे काफी करीब, वाइल्ड कैट को इन लोग चाहे तो यहाँ पे पंचर कर सकते हैं एंड इन्होंने यू टर्न लिया एंड मे बी कंपाउंड होल्ड करने की कोशिश करें क्योंकि अभी तक इन्होंने ये स्पॉट नहीं कर पाया कि उसमें कितने बंदे हैं। KKSKR पीछे होल्ड कर रहा है ब्रिज के, वहाँ सोल की टीम यहाँ होल्ड करने की कोशिश करेगी। वाइल्ड कैट अपने टीम के लिए स्काउट करते हुए ये इन्फॉर्मेशन तो ले आया अपने लिए, अपने टीम के लिए, कि सोल की टीम ब्रिज के उस पार होल्ड कर रही है। KKSKR और वाइल्ड कैट अपने टीम के लिए फॉरवर्ड पोजीशंस खेलते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे। और जो सोल की टीम है अब यहाँ पे एक छोटे से कंपाउंड में आ चुकी है, ये काफी ज्यादा डायबॉलिक कंपाउंड है। पबजी PC जब खेलता था मैं तो इस कंपाउंड में हमेशा मेरी मौत होती थी क्योंकि आप ये कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है, जो रुजोक से जब आप निकलते हैं वाटर सिटी से होते हुए तो ये रखते हैं या ARG रोटेट करें पर्पल मुख के सामने से। सोल मॉडल यहाँ पे शॉट लेते हुए कैवरिनो पे काफी अच्छा शॉट कनेक्ट किया, काफी लो एंड वहाँ पे पर उसको फिनिश नहीं कर पाया। सोल मॉडल UMP यूज करते हुए, पर यहाँ पे अभी आप सोल के पोजीशन की बात करें तो रौनक को थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो जिस स्नाइपर टावर में है वो तीन डायरेक्शन से ओपन रहता है, तो इसको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा कि कोई पट से हेडशॉट आके इसको मारना दे। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने SKS से शॉट लैंड कराया और काफी डैमेज भी दिया, बट कैवरिना जो थी क्या जो है अभी है तो सपने टूट गए हमारे थोड़े से, बट हाँ उन्होंने अपने आप को इंस्टेंटली थोड़ा कवर में ले आए और अपने आप को सेव किया, बट काफी अच्छा शॉट करने। C9 की जो टीम है वो यहाँ पे सोल पे धीरे धीरे लर्क कर रही है, मतलब उनके करीब आ रही है एंड सोल को उनको स्पॉट करना बहुत जल्दी जरूरी है क्योंकि अगर एक प्यारा सा नेड आया तो यहाँ पे रौनक का आउट होना काफी मतलब पॉसिबल है। पर यहाँ पे गौर करते हैं सोल ओवेस के पोजीशन पे जिसने ब्रिज क्रॉस करके एक दूसरा स्नाइपर टावर पकड़ के रखा है, थोड़ा रिस्की हो सकता है पर अगर ये वर्कआउट कर गया कि रौनक और ओवेस दोनों अपने टीम के लिए स्काउट बन के रखे हैं, पीछे मॉर्टल और वाइपर कवर फायर देते हैं तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे 69 लैशिन हिट्स खाते हैं, आई थिंक सोल ओवेस ने उसको स्पॉट कर लिया एंड टीम 69 एंड हमें यहाँ पे फीट पे दिख रहा है टीम यूनिक एलिमिनेट हो चुकी है 15 स्पॉट पे एंड 69 यहाँ फंस चुकी है क्योंकि सोल का जो बहुत ही प्यारा पोजिशनिंग था ओवेस और रौनक ब्रिज के दोनों एंड्स पे एंड बीच में एक टीम अभी पूरी फंसी हुई है। सोल के लिए 4 इजी किल मुझे आता दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पे ओवेस ने ओवेस पे काफी प्रेशर होगा, ओवेस का एक बैड मूव उनके लिए काफी मुश्किल होगा, बट मॉर्टल थोड़ा एग्रेसिव खेले, काफी ओपन में आ चुके हैं बट उनको पता है कि जितने भी 69 के प्लेयर्स हैं वो अभी ब्रिज के बिल्कुल अक्रॉस है, बट मॉर्टल का क्या एम पावर यहाँ पे उनको सपोर्ट दे पाएगा। टेस्ट के वाइट कैट यहाँ पीछे से कोशिश कर रहे हैं, VSS से इतनी लॉन्ग रेंज डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवेस ने यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, वो धीरे धीरे प्लेयर आगे बढ़ रहा है, क्या यहाँ पे कुछ होगा? ओवेस I don't know what just happened. यहाँ पे पता नहीं कुछ मैस अप हो गया, ओवेस ने खुद पे ही नेट कर लिया तो इवेंचुअली ये मरेगा। लैशिन को भी What was that master move? वो नेट मारा था, वो नेट मारा था एंड आई थिंक ओवेस पहले नेट करना चाहता पर वो
मूव किया है, उतने में नेट कुक हो गया तो उसको पहले फेंकना पड़ा, पर लेशिन ने उसको तब तक नॉक कर दिया और लेशिन जब तक अंदर आया तो ओवेस के नेट से वो फट गया। बट बात है यहाँ पे ओवेस को बचाना पड़ेगा, बट वाइपर मॉर्टल सब काफी दूर है, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ओवेस को एक जीवन दान मिल पाएगा। बट रौनक यहाँ पे फुल पावर गाड़ी लेके अपने भाई को बचाने जा रहे हैं, अगर भाई हो तो कोई ऐसा है, दो बंदे जा रहे हैं उनपे एंड 69 का ग्रोजोन पे रश करने की कोशिश करेगा रौनक हिट्स लेते हुए पर सर्वाइव करते हुए। अब यहाँ पे अगर एक नेट आता है तो ये बहुत रिस्की हो सकता है सोल के टीम के लिए। यहाँ पे आई होप कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को श्योरली मतलब कॉन्फिडेंट है इस पर्टिकुलर मूव में, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्केची लग रहा है रौनक को इंस्टेंटली जो वापस रोड क्रॉस करना है। यहाँ मॉर्टल पिक ऑफ हो गया 69 के ग्रोजा से, मैं यही कह रहा था अगर जाना भी था तो एक बंदे को जाना था क्योंकि बहुत ही रिस्की मूव था आप एक बंदे को बचाने के लिए अगर तीन बंदे, या मॉर्टल पिक ऑफ होते पर पीछे से वाइपर का शायद कवर प्ले आया एंड 69 ग्रोजा काफी लो ऑन हेल्थ। अभी तक यहाँ पे सोल का कोई भी प्लेयर बाहर नहीं हुआ है तो अभी भी हमारी जान जिंदा है और मॉर्टल को अभी रिवाइव मिल जाएगा, ओवेस रिवाइव हो चुके हैं, रौनक यहाँ पे उनके लिए एज अ लाइफ सेवर बन के आए थे। तो भाई मॉर्टल गए और गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे। जॉर्जी पुल के पास अभी जो सर्कल कट रहा है उनके पास एक अच्छी पोजिशन भी है, रौनक अभी 3x लगाकर अपने M16 पर कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट की कोई टीम का स्पॉट होता है नॉकआउट कर पाएंगे। बट मुझे हिसाब से अभी यहाँ पे दोनों साइड ने काफी डैमेज ले लिया है, XQF का एक प्लेयर पैर पर काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं और काफी सेफ पोजिशन में है। अब कैट पे आने वाला है प्रेशर, तो कैट पे बहुत ज्यादा डैमेज होगा, लीडर यहाँ पे लेने की कोशिश, बट कैट काफी देर तक टिके रहे, बट लीडर का काफी अच्छा मूव, उनको जब तक लेटे उन्होंने काफी ज्यादा बुलेट उनकी वेस्ट करा ली और इंस्टेंटली मिंग ने सपोर्ट किया उनको नॉकआउट कर दिया। एंड इसके साथ साथ ही ELG के सारे प्लेयर्स बैक ऑन ट्रैक आ गए, XQF के प्लेयर्स स्कैटर्ड है, यहाँ XQF के लिए बहुत दिक्कत होगा। पैरा बॉय एक नेड अटेम्प्ट कर रहा है जो कि आई थिंक उनको पिन का आवाज जरूर इनके प्लेयर्स को आ गया होगा, पिन ELG लीडर के सामने नेट फटता हुआ पर वो समाओ सर्वाइव किए। G9 मोहा ने RRQ G9 को नॉक कर दिया 69 मोहा ने एंड यहाँ पे RRQ अदीना फिर से नंबर 13 पे एलिमिनेट होते हुए। I don't know what's happening with this team because इस टीम के बारे में जितना सुना इतना देखा इतना समझा है कि इस टीम के बारे में कभी गलतियां नहीं, हमेशा तारीफ सुनी है, बट आई डोंट नो आज किस्मत नहीं थी, शनि भारी था, कुछ तो था कि आज यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया। आई होप कि कल एक नए सवेरे के साथ एक नया जोश हमें RRQ की तरफ से देखने मिलेगा, बिकॉज इनके भी काफी फैंस है जिनका बहुत दिलास टूट रहा है। बट अभी की नजर फेरे तो जो टीम नंबर 12 है उन्होंने अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, रौनक ने अपने आप को रिवर क्रॉस पहुंचाया और वहीं पर जो टीम ओवेस मॉर्टल और वाइपर है वो अभी भी इस तरफ है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जहां पे रौनक है वहां पे बस टू टीम्स है 16, 2 और 5, तो रौनक के लिए बहुत जरूरी है वो स्पॉट लेना। अगर आप समझो एक टीम अगर ऊपर से आके रौनक के स्पॉट में आती है दोनों में से एक जन को मर के लड़के इनको एक रिजल्ट लाना होगा, पर रौनक क्रॉस किया ताकि वो स्काउट करे स्प्रे फायर से दूसरे टीम्स को अवे रखे। यहां सोल जो पोजीशन होल्ड कर रही है क्योंकि आप ये बात समझिए अल्टीमेटली कंटेनर्स में जितने भी टीम भसड़ मचा रहे हैं उसमें से एक या दो टीम ही बच के निकल पाएगा, पर सोल जहां अभी होल्ड कर रही है आई थिंक ये गेम उनके लिए वो हो सकता है जो इस पूरे टूर्नामेंट के पूरे जो टूर्नामेंट का जो भी पॉइंट्स टेबल है उसको बदल दिया जाएगा। पर्पल मूड फंसी हुई है, टीम नंबर 16 फंसी हुई है, ARG ELG सब फंसे हुए हैं, XQF शायद नॉकआउट हो चुकी है, एक बंदा बचा उनका RRQ नॉक 10। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खबर आते हुए कि जो नेक्स्ट जोन है वो भी टीम सोल के बहुत ही करीब है एंड ऑल्सो TES का फायरबॉय जोन के इतने बाहर रोटेट कर रहा है, मतलब TES फायरबॉय आई थिंक अपने टीम से अलग होके ये चाह रहा था कि मैं होल्ड करूँ एक पोजीशन ताकि जोन अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होए तो हमारा एक बंदा जोन के अंदर हो। यहाँ फायरबॉय व्हाइट कैट को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि टीम BRK के पूरे अंदर घुस चुका है, बहुत ही करीब है एक दूसरे के। यहाँ व्हाइट कैट के लिए निकलने बहुत दिक्कत हो सकता है, टेस्ट टीम भी मुझे ट्रबल में दिखते हुए, BRK भी ट्रबल में, पर सोल यहाँ मुझे काफी सेफ दिखते हुए। अब देखना होगा सोल के टीम ने रिच शिफ्ट किया, उनको अपने बैक साइड का ध्यान रखना होगा जहाँ पे पीछे तीन टीम्स है BRK पर्पल मुडो टेस्ट, जो अगर वहां से कवर फायर दे तो इनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं इन पे आके उल्टा ना पड़ जाओ क्योंकि इन लोग एक साइड से पूरा एक्सपोज रहेंगे, एक तरफ से तो प्योरली सेफ रहेंगे पर एक साइड से पूरा एक्सपोज। वहां टीम नंबर 16 और उसके बीच पर्पल मुड के बीच में फाइट होते हुए पर्पल मुड CC ने कवर इनों को नॉक किया, सोल रौनक टेस्ट ईयर्स को नॉक करते हुए, ELG के मार्को को नॉक करते हुए, चारों तरफ एक्शन ही एक्शन है। मिटेक ने PLM नवीन को नॉक किया जिसके हिसाब से मेरे हिसाब से BRK एलिमिनेट हुए, पर्पल मुड भी शायद एलिमिनेट हो चुकी है। TQ का मिस्टेक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले के साथ ELG के बेजाई को नॉक किया एंड BTR भी मुझे गेम में वापस आते दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सारा एक्शन कंटेनर में हो रहा है और हमारी जो दूसरी टीम है सोल वो फुल पावर एंजॉय करी और वहाँ पे टेस्ट के फायर बॉय की मुश्किल में होंगे। अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को हंट कर सकते हैं, पानी के अंदर वो शूट नहीं कर सकते। अब रौनक अंदर से देख के बता पाएंगे कि कहाँ पर और तुम कहाँ पे शूट कर सकते हो और शायद तुम्हें किल मिल पाए, बिकॉज जो PLM के जैस्पर है वो एक गोली दूर है, बस उनकी मौत यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी। बट इस चीज़ से एक कन्फर्म हो जाएगा कि इस गेम के अंदर यहाँ पे सोल की रैंकिंग में काफ़ी फर्क पड़ेगा। 8 टीम्स बची हैं, 21 प्लेयर 23 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और गेम का जो मोमेंटम है बहुत ही शानदार चल रहा है और अब धीरे धीरे किल्स यहाँ पे सोल की
अभी बढ़ेंगे क्योंकि उनको सांस लेने जब ऊपर आना पड़ेगा, जैसे ही वो ऊपर आएंगे उनको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में कहां पर है। बट यहां पे पर्पल मूड एलिमिनेट हो चुकी है, काफी अनफॉर्चुनेट था। और आप ये देखेंगे ओवेस को यहां पे जास्पर की किल मिली है, रौनक ने यहां पे टेस्ट के ईयर्स को निकाल दिया। हमारे शेयर धीरे धीरे गेम के अंदर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 18 लोग बचे हैं, 60 टीम ही बचे हैं। सोल के पास बहुत अच्छा पोजीशन है, वाइपर पिक ऑफ हो चुका है क्योंकि टेस्ट के 3 बंदे ऊपर आ चुके हैं। यहां गेम बदल सकता है क्योंकि एक बहुत ही प्यारा नेड आया टेस्ट की तरफ से। चलो पर ओवेस और वाइपर ने उसको डॉच किया। मॉर्टल को यहां पे कवर फायर देना होगा अपने आप को लेफ्ट साइड से सुरक्षित रखते हुए। टेस्ट टीम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बाउंस बैक कैन। सडनली रौनक मुझे जोन के बाहर दिख रहा है, पानी में इतना बड़ा डैमेज लेगा। 6 जोन चल रही है गेम में, तो रौनक अगर पानी के अंदर नॉक हो जाए तो फिनिश हो जाएगा। आई थिंक वो विद इन द जोन है, पर उसको यहां बहुत केयरफुल रहना होगा। बात करते हैं रिजेस के, तो यहां पे टीम्स के बीच फाइट चल रही है। टेस्ट फायर बॉय का बहुत ही प्यारा नेड सोल ओवेस से कनेक्ट होते हुए। फिर से यहां पे ओवेस नॉकआउट हो गए, बट नेवर माइंड, हमारे पास वाइपर है, वाइपर फिर से उनको रिवाइव करेंगे और ओवेस वहां पे आके फिर से आ चुके। बट इतनी देर में टीक्यू मार्को ने ईएलजी के लीडर को इंस्टेंटली नॉकआउट कर गेम से बाहर कर दिया। ये जो मेन फाइट हो रही है ना, सारी अट्रैक्शन कंटेनर पे चल रही है, लोगों को ये नहीं पता कि असली जो जीत है वो यहां पे छुपी हुई है। और ये एक गोल्डन मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि नोवा जो अभी 2 चिकन डिनर निकाल चुकी है वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। 5 टीम, 14 प्लेयर, 25 मिनट होने को आए गेम में। बस अब सब्र का खेल है, सब्र दिखाना है। किल्स कोई नहीं, किल्स आ जाएंगी, चिकन डिनर बहुत जरूरी है। टीम सोल यहाँ पे अभी मैं मार्क करना चाहूंगा, एकलौती टीम है एआरजी के साथ, सॉरी, जो 4 मैन के साथ खेले हैं। बाकी टीम्स में 1 बंदे 2 बंदे ऐसे बचे हैं, तो यहाँ इनके पास बहुत एडवांटेजेस पोजीशन है। ऑल्दो जोन थोड़ा इनके लिए फेवर में नहीं रहा क्योंकि व्हाइट कैट ने अपने टीम के लिए जोन होल्ड किया। अब सोल को यहाँ पे फाइट लेना होगा व्हाइट कैट से बचते हुए, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से ज्यादा एक्सपोज हुआ तो व्हाइट कैट 2 बंदों को एक साथ ले जा सकता है। यहाँ ईएलजी का ब्रॉन्जो मैक्रो को स्पॉट किया एंड सोल टॉप 4 में आ चुकी है इस गेम में। यस, अब मुझे टॉप 4 से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहां पर अपनी टीम को नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहता हूं। बिकॉज अब धीरे धीरे रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे एआरजी के प्लेयर। ओके माय गॉड, यहां पे वाइपर ने फाइबर को पिक ऑफ कर लिया, थोड़ी सी गलती होगी थी, वाइपर ने उनको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाला। क्या यहां पर केकेएस केआर कुछ कर पाएंगे? वहां पे वो स्पॉट तो हो चुके हैं, शायद से जैसे ऊपर उठते हैं वाइपर, व्हाट आर यू डूइंग, जाके पीछे होने की कोशिश यहां पर। और यहां मैप के अंदर जोन की जो मार है वो उनको परेशान कर सकती है, जो ड्रॉप जोन के वहां पर जो ड्रॉप गिरा हुआ है वहां पर एक प्लेयर छुपा हुआ है जो व्हाइट कैट है। बट यहां पे ओवेस से व्हाइट कैट को मार दिया है, जब यहां पे पब्लिक के ओवेस को जरूरत थी वहीं पर वहां पे अपनी टीम को सपोर्ट करके दिखाया, गेम के आगे बढ़ाया। 4 टीम, ईएलजी के 2 प्लेयर बचे, एआरजी के 2 प्लेयर बचे हैं, एआरजी के 4 प्लेयर बढ़े हैं। तो यहां पे सोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है। केकेएस जब तक कुछ करते, मॉर्टल को नॉकआउट किया बट वाइपर ने उनकी गेम के अंदर एंडिंग कर दी है। 3 टीम, 10 प्लेयर, थग इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चलो लास्ट सर्कल की बात करते हैं, टीम सोल, एआरजी और ईएलजी। यहां पे टीम सोल के 4 बंदे अलाइव है, एआरजी के 4 बंदे हैं, एलाइट गेमिंग का एक ही बंदा बचा है जो कि बेज आई है। सोल की टीम पूरी मोटिवेटेड है, एआरजी के बंदे स्प्रेड है। सोल को थोड़ा डिफेंसिवली बट उनके फॉरवर्ड फ्लैंकर्स को एग्रेसिवली खेलना होगा क्योंकि एआरजी के 4 बंदे हमने देखा जब मारना जानते हैं तो लोग बहुत अच्छा मारते हैं, पर सोल को याद रखना होगा। अब लास्ट सर्कल उनके एडवांटेज के लिए, एआरजी का हमने लास्ट सर्कल गेम देखा है इतना उमदा नहीं खेलते जितना सोल खेलते हैं। 4v4v1 की फाइट है, बैलेंस आउट करने की बात है अपने एग्रेशन और अपने कंपोजर को और अपने पोजीशन को होल्ड करने का। वाइपर मुझे वहां पे राइट फ्लैंक करते हुए दिख रहे हैं लेटते हुए। ओवेस को नेट कनेक्ट हुआ पर ओवेस ने थोड़ा डैमेज लिया, नॉक ऑफ नहीं हुआ, बहुत ही सही रहा ये। एआरजी का कैंडी रैंडम स्प्रे करते हुए ओवेस का रिटेलिएटिव फायर, एआरजी सारा से कनेक्ट हुआ, एआरजी सारा नॉक होते हुए अब एआरजी बहुत ही ट्रबल में है। 3 बंदे बचे हैं, ओवेस ने कैंडीज को भी नॉक किया एंड सोल ओवेस सोल द पब्लिक एंड यहां बचे एआरजी के 2 ही बंदे, 1 प्लैनेट 1 लैपिस। सोल के 4 बंदे, ओवेस को हील करने का मौका रहना चाहिए, मेरे हिसाब से वो फुल्ली बूस्टेड होगा। वाइपर ने यहां सारा को फिनिश ऑफ किया, सोल के झोली में है किल्स एंड 6 किल के साथ सामने बचे हैं उनके 4 ओपोनेंट। ये बेस्ट टाइम है सोल के लिए चिकन डिनर पिक ऑफ करने का। एआरजी लैपिस प्लैनेट और ईएलजी के बंदे बैंडेज यहां लगा रहे हैं ओवेस क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं अभी वो टीम के लिए सबसे आगे एडवांस पोजीशन में। रौनक ने यहां कैंडिस को फिनिश किया, टीम के लिए 7 किल आते हुए। टीम सोल यहां चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए एंड यहां पे एक नेड आया जो मुझे लग रहा है काफी टीम सोल के करीब गिरा है। यस, वाइपर के बहुत ही करीब था, वाइपर यहां पे 50% हेल्थ में आ गए हैं, उनको अब खुद को रिवाइव करना होगा। लैपिस धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ते हुए, यहां मेरे हिसाब से लैपिस स्पॉट होगा क्योंकि वहां पे ग्रास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और थक दाद दूंगा इस जज्बे की जो आपकी यहाँ पे बोल रही है बात। ओवेस के पास यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं है तो यहाँ पे बैंडेज से काम चला रहे, बट वाइपर ने लैपिस को पिक ऑफ कर लिया है। एआरजी है जो यहाँ पर कंटेंडर है चिकन डिनर की, बट वहां पर एक एक करके उनको हंड डाउन कर रहे हैं, एक एक प्लेयर बचा है, 3-6 प्लेयर है, 4 सोल है, एक एक। और अब वो टाइम आ चुका है यहाँ बर्लिन के अंदर झंडा गड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सो यहाँ पे ईएलजी के बेइज्जती ने सोल को सोल के लिए काम और आसान करते हुए 4 बंदे बचे। वाइपर फॉरवर्ड आते हुए, वाइपर फॉरवर्ड आते हुए सोल ओवेस के रैंडम स्प्रे बेइज्जती, ओवेस के बहुत ही टीम सोल ओवेस वर्सेस द पब्लिक। और इसी के साथ टीम सोल जो इंडिया से गई है बर्लिन में, यहाँ पर दूसरे दिन के अंदर आखिरी रैंगल में दिखा दिया कि कौन है वो अल्टीमेट टीम जो अभी भी
कुछ भी करके दिखा सकती है। चिकन डिनर मांग रहे थे, चिकन डिनर यहाँ पर सर्व कर दिया है हमारी ऑडियंस के लिए। एंड यस मिस्टर रौनक ओवेस वाइपर मॉर्टल एवरीवन जस्ट मूविंग कि यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करा, पीछे से आएंगे और पहली फुर्सत में सबको निकाल देंगे। बिल्कुल सही कहा यहाँ आपने। एंड टीम सोल का फाइनली चिकन डिनर गेम नंबर 10 में पूरे पॉइंट्स टेबल को बदल देगा। जर्मनी में जाके झंडा गाड़ा, इंडिया में झंडा गाड़ा। एंड फाइनली जितने भी लोग सोल को अंडरएस्टिमेट करते थे, मेरी दिल की धड़कन बोलती थी कि ये चार लौंडे इंडिया का, मैं टीयर्स में आ जाऊंगा, मैं वहां नहीं हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है। बट आई नो कि इन लोग चार जो यहाँ बैठे हैं और ये इनके लिए क्या मीन करते हैं। मतलब सारे अगर इफ यू कंपेयर देम विद अदर्स, ये कितने बच्चे से लग रहे हैं ना, कि क्या कितने बाकी ऐसे एक्सपीरियंस रख रहे बड़े बड़े से। और ये मासूम बच्चों ने जो अभी इनको परेशान करके बनाया है, 9 किल्स निकाली फर्स्ट पोजीशन, जो आप गैप कह रहे थे ना कि 10वें और छठे के बीच में 30% का गैप है, 30 पॉइंट्स का, यार सुन लिया लगता है उन्होंने, वो इंस्टेंट थी। बिल्कुल सही बात है, 39 पॉइंट्स टीम मेरी सोल, टीम सोल लेती हुई हमारी टीम सोल। एंड यहाँ निकल गया मेरी बहुत 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 यहाँ पे उनके लिए मतलब बहुत बेनिफिट होने वाला है। इन लोग काफी एडवांस करेंगे, टॉप सिक्स की हम बात कर रहे थे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि टॉप सिक्स इन लोग अब हिट कर जाए। एंड क्या पता कि टूर्नामेंट में टॉप वन भी दूर नहीं है। पर दिल जीत लिया, भावनाएं बह रही हैं, परेशान हो चुकी है दुनिया कि कहां से यार कहां ले गए, क्योंकि जिस तरीके से गेम के अंदर आगे बढ़े, दो बार ओवेस नॉकआउट हुआ था टेस्ट के नेट से, उसके बावजूद जो ओवेस को बचाया, ओवेस को जब बचाया और सोल और रॉक टू बी हियर, हाउ डज इट फील टू गेट दैट चिकन डिनर मॉर्टल? It feels really amazing, and you know, it was very difficult yesterday because first of all, it was the first time at such a huge stage, and there are 15 other teams who are world class. So yeah, we were a bit nervous, but then today we were ready for that. You certainly were ready, but I do want to ask about what happened early on Erangel when we saw a bit of a nade mishap. I'm not going to mention who naded because I don't want to nade and shame, but actually you managed to recover from that very quickly. So talk me through your reaction to that situation. Not me, but then many of them would have realized how important teamwork is in such a situation where, you know, the nade, it fell in the place where he was knocked, and then we started to give some cover fires to him. That guy, out of pressure, he went inside, and then boom. I think SNT will be avoiding your booms tomorrow. And also, props to Ronak for getting the res in as well. Now, it was a very tense final fight. So I'm curious as to how the team coped in that moment, because finally the win was within your grasp. So how did you keep your cool? So at first it was very important for us to, you know, beat the people who were on our right side, who were on the ridge over there. And right after we beat them, we thought now it's possible to, you know, get inside the zone, to crawl inside the zone and take out the other teams. And thanks to one of the players who actually helped us from the other team. Yes, it was Elite Gaming and he took out the last member of ARG. Did you even know that he was still alive? Yes, I was pretty sure there was a guy over there, and that's the reason, you know, when I saw the vehicle over there, when he took down the last person, I ran to the vehicle because I knew the last person was on the left side. Yeah. Now, Mortal, you do have a very vocal audience here and you have so many fans at home. 2 million subscribers on YouTube, one of the biggest PUBG Mobile influencers and content creators out there. So I think I need to ask, do you have any words? Do you have a message for the fans? Thank you so much, guys, for all the support. Apne shuruaat se hame support kiya hai. Thank you so much. Bahut hard. Well, there we go. Congratulations to Team Soul. I hope that you finish even stronger tomorrow, because that's all we have time for today. We're going to be back with our pre-show at 11:50 a.m. Don't miss it, because we've only got 6 more maps before we crown the winner of the PMCO 2019. See you then.